ये मान लो ट्रक में से माल उतरा है, उतरते मेरी गाड़ी में लगा है। ये हो गई ऊपर, देखो ऐसे स्टार्ट हुई और अभी शटर डाउन है, प्रॉपर ब्लैक है नंबर प्लेट। ये देखो तो दोनों एक साथ होती है भाई। ये देखो ये हो गई ऊपर और अब नीचे करना। लो भाई, ये देखो भाई बंदे ऐसे देखते हैं स्विफ्ट वाले भी पूरे शीशे नीचे भाई। स्विफ्ट वाले तो सारे ही देखते हैं इसे। कितना 4000 आ रहे हैं स्विफ्ट में, वो भी सिंगल वूफर। कोई ना इंडोनेशियन बोलता है, कोरियन, सब चाइनीज, सब चाइनीज है, चाइनीज है। जब तक मिशेलिन कॉन्टिनेंटल जेके सीएट में नहीं जा रहे तो कोई भी ले लो उल्टी सीधी ब्रांड, वो सब चाइनीज है। ये वाइपर से कोई काम नहीं है, कभी चलाने मन नहीं करता, आज तक चलाया भी नहीं, लेकिन इससे लुक आती है गाड़ियों में एक नंबर। ये पहली स्विफ्ट है पूरे इंडिया की जिसमें ये डिजाइन डला है। Hey guys, welcome back to my channel. Hope करता हूँ सब बढ़िया हो गए और मस्त हो गए। तो गाइस आज ना आपको भाई ब्लैक स्विफ्ट दिखाने वाले, भाई ने यार बहुत ज्यादा अल्टीमेट बनाई हुई है। तो आज की वीडियो हमारे साथ है लक्ष्य भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, तुम सुनाओ। भाई बिल्कुल बढ़िया। और भाई की भाई आप स्विफ्ट देख सकते हो, इससे पहले भाई के पास एक वो थी एक गाड़ी, उसका नाम मुझे पता नहीं सर। सीडिया थी, पुंटो थी, फिएट थी। हाँ, और वो रेड कलर में थी ना अपनी। हाँ, एक सनसेट रेड थी और एक ब्लड रेड थी। तो भाई वो ना उसका भी हम शूट करने वाले थे, वो बस ऐसे करते करते वो गाड़ी कट गई है ना। मिलना होता जब मिलना हो पाता है कुछ अच्छे के साथ मिले। और तो भाई ये देख सकते हो आज भाई इसको शूट करने वाले। सबसे पहले भाई ये बताओ, जब आप लेने गए होगे आपके दिमाग में यह होगा यार स्विफ्ट तो यार बहुत सारी है, आया था दिमाग में? मेरे भाई दिमाग में बताऊं इसकी स्टोरी ये थी, मेरे पे पुंटो थी डेली ड्राइविंग के लिए। वो मैंने सेकंड हैंड ली थी अपनी सेविंग करके। फिर मेरे को ये प्लान था कि अब नई गाड़ी लेनी है कोई, क्योंकि वो उसने बहुत दुखी करा था, कभी कुछ खराब कभी कुछ खराब, सेकंड हैंड कार में हो जाता है ना। और वो फिर थी भी फिएट, फिर उसमें आती है दिक्कतें, इंडिया में नहीं है सपोर्ट उसका बिल्कुल। फिर मैंने जब वो सेल करी तो मेरे दिमाग में ऑप्शन था हैचबैक लेने का, या फिर मेरा मन था स्कॉर्पियो लेने का ब्लैक कलर की, लेकिन वो बजट से बाहर जा रही थी भाई, इतनी सेविंग नहीं थी बिल्कुल। तो फिर मैंने जो दिमाग लगाया मैंने कहा पोलो ले लेता हूँ, लेकिन फिर पोलो बंद हो चुकी है, प्लस हमारे ग्रुप में पोलो है भी बिल्कुल, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं। फिर मेरे को एकदम पता चला था कि स्विफ्ट में ब्लैक कलर लॉन्च हो गया है। और फिर मैंने देखा स्विफ्ट तो है सबके पास, लेकिन ब्लैक किसी के पास नहीं है, रेयर है। हाँ, रेयर और है। फिर रेयर इसलिए भी है क्योंकि टॉप मॉडल में आती है, टॉप मॉडल में ब्लैक कलर मिलता है, बेस वगैरह नहीं। ZXI VXI लेता है, ZXI हर किसी के हिम्मत नहीं आती लेने की, इतना पैसा स्विफ्ट में डालें। तो कितने की पड़ी थी आपको ये भाई? ये जो मैं लाया था 8,80,000 रुपए की ZXI प्लस। हाँ। और भाई ये प्योर पेट्रोल रहने वाली है, क्योंकि अगर CNG में भी आप ब्लैक लेते हो ना वो भी आपको ZXI में मिलता है। ZXI, वो ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मतलब कि CNG में लोगे तो कम उसमें मिल जाएगा। तो जैसे आपने अब तो ही देख लिया कि ब्लैक कलर लॉन्च होने वाला है, आपने देख लिया होगा नई स्विफ्ट भी देख ली होगी। हाँ, 2024 वो अभी देखी इसके लेने के बाद, नई 2024 वाली आ रही है। हाँ। अभी तो उसका कंसेप्ट देखा है, कंसेप्ट आगे से तो अच्छी लग रही है, पीछे से इधर की लुक है ना ये अच्छी नहीं लग रही उसकी, पीछे की है ना बस। लेकिन अंदर मन में एक दुख तो है कि भाई अब वो लॉन्च हो जाएगी, लॉन्च पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी। पर भाई स्विफ्ट तो यार स्विफ्ट है, लेजेंड है एक तरीके, मतलब सब मतलब कि सबसे ज्यादा बिकने वाली मान लो एक तरीके से। दिमाग में गाड़ी का ख्याल आता है ना, एक नए बंदे को जो गाड़ी लेने की सोचता है सबसे पहले दिमाग में आता है मारुति स्विफ्ट, क्योंकि एक तो मारुति का भाई खर्चा ही बिल्कुल सही है अपना। मैं बता तो रहा हूं, मैंने अभी 5,000 वाली सर्विस कराई है इसकी, 0 रुपए लगे, 10,000 वाली सर्विस में 2500 रुपए का एस्टिमेट है। अरे बताओ। तो भाई ये देखो जैसे आपने ब्लैक तो लिया, तो इसको भाई मेंटेन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है ना ब्लैक तो। मेरे पे एक एंडेवर भी है ब्लैक कलर की, भाई हमने तो लड़के लगा रखे हैं,
वही साफ करते रहते हैं और कभी कभी हफ्ते में हम खुद लग जाते हैं साफ करने में। हाँ, तो भाई जैसे अभी आप देख सकते हो प्रॉपर चमचमाती आ रही है सामने से, आप अगर दिखाना चाहूँ तो भाई ने कर दिया डेमन आई, ये ओरिजिनल हेडलाइट है जो इसके साथ आती है ना। और भाई डेमन आई भी मैं इसकी एक चीज दिखाता हूँ तुम्हें, ये शायद यूट्यूब पे ऐसे किसी ने कभी डेमन आई करी होगी। अच्छा, मैं खोल के दिखाता हूँ। लोग क्या करते हैं, आपने भी जो वीडियो वगैरह बनाई है उसमें ये होता है कि लाइट की ये सील खोल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये सील खोलने के बाद इसका ग्लास निकाले फिर डायमंड आई लगाते हैं। लेकिन मैंने इसका ना कोई ग्लास खोला है ना कुछ करा है, कुछ भी नहीं करा, बस हमारा एक जुगाड़ है, हमने उस तरीके से इसमें डायमंड आई कर दिया। मतलब देख लो लाइट पूरी सील पैक है भाई, ये लाइट खुली नहीं और डायमंड आई हो गई। हाँ, तो भाई ये भाई ने जैसे बोला फर्स्ट टाइम किसी ने किया है ना। यूट्यूब पे मैंने बहुत सर्च करी, मैंने फॉरेन की वीडियो भी देखी, उन लोगों के पास भी एक मॉड्यूल होता है वो लगाते हैं। मैंने वो ही जुगाड़ कुछ करके ताकि इसकी लाइट ना खुले, क्योंकि एक जो ओरिजिनलिटी होती है ना भाई वो कभी वापस नहीं आ सकती लाइट खुलने के बाद, क्योंकि देखो खुलने के बाद मॉइस्चर वगैरह ये सारी आएगा। आप कितना भी बोटाइल वगैरह यूज कर लो, कुछ भी कर लो, देखो मेरा तो अपना काम है, मुझे पता है भाई का अपना काम ही है ना, देखो कार एक्सेसरीज का काम है, तो हमें तो पता है कि क्या ओरिजिनलिटी होती है। जो फैक्ट्री फिटेड होती है ना उसकी बात ही अलग होती है, तो मैंने वो नहीं छेड़ी भाई। अगर किसी को ऐसे स्विफ्ट में करानी हो ना भाई से कांटेक्ट कर लेना, लाइट भी ना खुले हो जाएगी ना बिल्कुल। तो क्या खर्चा वगैरह आता है भाई? इसका खर्चा मान के चलो आप 5,000 रुपए के आसपास खर्चा आता है। दो ऑप्शन होते हैं इसमें, या तो आप सिंगल कलर करा लो, जैसे मैंने ग्रीन है मेरा टोन, ये देखो भाई अंडर ग्लो का, ये देखो भाई, तो मैंने इसको ग्रीन ही रखना था, मेरे को आगे चल के कभी कोई और कलर करना नहीं है, तो मैंने इसलिए इसको ग्रीन करा है। ये सिंगल कलर है, सिंगल कलर करोगे तो 3,000-3,500 रुपए में हो जाएगी, जैसे रेड वगैरह सबसे ज्यादा चलता है बिल्कुल। और अगर आप आरजीबी में जाना चाहते तो 5,000 रुपए। तो भाई इतना तुम किसी और को दोगे और भाई उसकी ओरिजिनलिटी खराब होगी, लाइट वाइट खुलेगी, है ना? नॉर्मल रेट वही 3,000-3,500 रुपए है आरजीबी ये करने का डैमेज नहीं बिल्कुल, उसमें तुम्हारी लाइट भी डैमेज होती है बिल्कुल, फिर अंदर मट्टी आ जाए, मॉइस्चर आ जाए, वो गंदी भी लगती है बिल्कुल, वो तो बेकार हो जाती है कुछ महीने साल बाद, वो सक्सेसफुल नहीं है। तो ये देख सकते हो नीचे भाई ने अपनी एलईडी लगाई हुई है ना। हाँ, अभी फिलहाल में मेरे को इसमें प्रोजेक्टर डालने हैं, लेकिन मैंने काम चलाने के लिए 150 वाट एलईडी डली हुई है। और सामने से दिखाऊं तो ग्रिल वगैरह अपनी भाई ये रहने वाली इसके स्टॉक है। हाँ, इस पे हमने ब्लैक वो करा रखा है। हाँ, मतलब क्रोम दिखाना ही नहीं है ना, मेरे को तो दिखाना था, मेरे दोस्त यार है ना उन्होंने ब्लैक चढ़वा दी, मेरे को तो पसंद नहीं है, मैंने कहा यार थोड़ी सी क्रोम होना चाहिए गाड़ी। हाँ, ये तो हाईलाइट होती है उससे गाड़ी। तो ये पूरी स्टैम्प पे फुल जेड ब्लैक है ना। हाँ, और ये देखो ये कुछ नंबर प्लेट भाई कुछ अलग सी है ये। हाँ भाई, ये बहुत इलीगल काम है, ये किसी को रिकमेंड नहीं करते, है ना भाई, ये लॉस के बहुत खिलाफ है जेड ब्लैक और ये सब चीजें। लेकिन फिर भी मेरी गाड़ी ज्यादा चलती नहीं है, खड़ी रहती है, मैंने डेमो के लिए इसमें लगा रखी, क्योंकि भाई का देखो अपना काम है ना, तो डेमो के लिए सब चीजें, सेटर नंबर प्लेट। प्लस आजकल लोग भाई ऐसे हो रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, हम नॉर्मल रील बना रहे हैं भाई, फोटो ले लेंगे गाड़ी की, वहां से उठा लेंगे, कंप्लेंट कर देंगे, चलान भेज देंगे बिल्कुल, या चलान चेक करते रहेंगे, ओटीपी आता रहेगा। हाँ, तो परेशान करते हैं, ये परेशान होती है तो इसलिए मैंने इस पे ये जुगाड़ कर दिया सेटर वाली नंबर प्लेट, जब भी रील बनाऊंगा वीडियो बनाऊंगा सेटर नीचे। एक बार इसको ओपन करके दिखाना, मैं भी भाई फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ ये कैसे ओपन वगैरह होता है इसका सिस्टम। तो भाई ये देखो ऐसे स्टार्ट हुई और अभी शटर डाउन है, प्रॉपर ब्लैक है नंबर प्लेट, ये देखो, तो दोनों एक साथ होती है भाई, ये देखो ये हो गई ऊपर और अब नीचे करना, लो भाई, तो ऐसे आगे पीछे की दोनों एक साथ। अगर आप अलग अलग करना चाहो, ये रिमोट है ये ना। हाँ, ये रिमोट होता है इसका, जैसे वेलवेट ओनिक का रिमोट होता है अपना, है ना, और ऐसे अगर दिखाऊं तो पीछे से भी ऐसे भाई, ये देखो पीछे की खुली हो गई। हाँ, खुली हुई है, ये हो गई बंद, ये हो गई ऊपर, भाई बहुत सही चीज है। तो भाई ये रिकमेंडेड नहीं है कहीं भाई के देखा देखी में वैसे आप कराने लगो। ये बताओ सबसे पहले, जैसे यहाँ लिखा हुआ स्पीड हंटर्स, भाई ये हमारा चैनल है छोटा मोटा सा। अच्छा, भाई लोगों को देख के इंस्पायर होके लोग बोलते थे कि भाई आप भी बताओ आप भी गाड़ी, क्योंकि हम शुरू से गाड़ियां बनाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल हमारा काम भी है, तो लोग बोलते थे भाई, मैसेज करते रहते थे, फिर और यारों दोस्तों से आप जैसे तरुण भाई जैसे भाई भाई हैं तो वो भी बोलते थे बना लो। तो मैंने भाई के व्लॉग देखे, देखना जाके मजा आएगा। स्पीड हंटर्स के नाम से, स्पीड हंटर्स इंडिया, बाहर के बंदे की है वो। जब देखा अरे भाई ये तो अपने भाई है भाई, एक नंबर रील लगी वो मुझे। अब आते हैं साइड लुक की तरफ, इस तरफ से दिखाऊं तो मेन चीज के अलॉय व्हील्स देखो, तो पता क्या स्विफ्ट में जब भी कोई 17-16 इंची लगाता है तो भाई एक वो अपना जो डबल डंडी वाला स्टार वाला था वो सीधा। हाँ, या जो आपने डाल रखे वो डिजाइन कॉमन है स्विफ्ट। हाँ, में और एक वो स्टार वाला डबल डंडे स्पोक्स आते हैं। मैं तो उन्हें जगत अलॉय बोलता हूँ जगत दूसरा बंद में वही गाड़ी में डालता है। तो भाई ये देखो इसमें भाई ये कुछ नया अलग यूनिक पैटर्न है, बढ़िया लग रहा है, लुक के साथ पूरा मैच कर रहा है, चाहे अपना साइज है 17 इंची, जब भी भाई लुक एक नंबर आ रही है इसकी। ये पहली स्विफ्ट है पूरे इंडिया की जिसमें ये डिजाइन डला है।
भाई मैं खुद पहली बार से डलवाया है मैंने प्रेस्टीज। ये मान लो ट्रक में से माल उतरा है, उतरते मेरी गाड़ी में लगा है। की लगा होगा इसी तरह, जिस दिन गाड़ी ली उसके अगले दिन ही डलवाया। अरे वाह, तो भाई शौक ना इसको ही कहते हैं। देखो भाई ना पहले से, भाई कब से शौक कर रहे हो अभी गाड़ियों के? भाई देखो मेरे मामा थे, मैं जब छोटा था मेरे मामा गाड़ी बनाते थे, तो मेरे को उस टाइम बैठ के लगता था मैं कभी बड़ा होऊंगा तो मैं भी अपनी गाड़ी बनाऊंगा। तो अब मेरे को दो तीन गाड़ी हो गई जो मैंने चेंज कर करके बना ली, तो हो चुके मुझे भी 7-8 साल गाड़ियों की। भाई गाड़ी बनाते हो एक वो अलग ही मजा होता है। बहुत बंदे कहते हैं यार क्या इतना पैसा लगा देते हो छोटी छोटी गाड़ी में, भाई ये शौक है अपने। बहुत छोटी सी कोट है कि अगर तुम गाड़ी में पैसा लगा लोगे ना तो तुम पे नशे करने को पैसे ही नहीं बचेंगे। तो भाई नशे भी नहीं करेंगे तो हमारी सेहत भी सही रहेगी और गाड़ी दुनिया देखती है, दुनिया देखती है चलती है। भाई हमारा नाम ही हमारी पहचान है क्योंकि इसी से जानते सब हमें। बिल्कुल वो तो है। देखो कहीं से लिखे अरे भाई ये लक्ष्य भाई जिनको हमने इंस्टाग्राम पे देखा था ऐसे है ना भाई, ग्रीन उसमें ग्रीन अंडरबॉडी लाइट उनकी गाड़ी में ये तो है। तो भाई अंडरबॉडी की भी कहानी बहुत वो है। अच्छा। आपने इतनी गाड़ियां शूट करी होंगी, इतनी बहुत सारी जिसमें अंडरबॉडी है। सबके में क्या होता है जैसे दूर जाते हैं ना तो उनकी स्ट्रिप दिखने, हाँ वो बहुत गंदी लगती है। वो ना इसको इधर लगाते हैं, वो इधर लगाते हैं और बहुत गंदी। और वो जो ये तो अंडरबॉडी गाड़ी वाली है ही नहीं, जो गाड़ियों में लगाते हैं ना लोग, जो डब्बा आया लगा दी वो है नहीं, ये भी मेरा जुगाड़ है। लो भाई, भाई ये दूर से चले जाओ नीचे झुक के देख लो, अगर लाइट दिख जाए कि कहाँ से निकल रही है तो बता देना, सामने आके देख लो। ये देखो भाई, तो ये कुछ आप देख सकते हो। अलॉय की बात करूं तो इसकी जो प्रोफाइल है अपनी भाई वो है 215/45/8/17 इंच के भाई अलॉय की प्रोफाइल रहती है, यही सही रहती है। पहले मेरा मन था 205 डलवाने का, बट ये ना थोड़ी हल्की गाड़ी है और रैटलिंग नॉइस मारुति में जल्दी आ जाती है। बिल्कुल। तो फिर जहाँ से डलवाया था उन्होंने बोला रहन दो कि गाड़ी अंदर से जल्दी खड़क जाएगी, मैंने नहीं डलवाया, फिर 215 ही डलवाया। तो और एक तो भाई भगाते भी है तो थोड़ी प्रोफाइल इनको मोटी भी चाहिए और फिर टायर साइज ज्यादा नहीं चाहिए ना ज्यादा बड़ा। तो इसमें अपने टॉप मॉडल वाले एलॉय आते हैं ना ZX, वो भी अच्छे लगते हैं ना, अच्छे थे वो भी लेकिन हमारे किसी काम के। तो जैसे बहुत बंदे ये कहते हैं कि भाई जो मारुति टायर देती है वो पतला होता है कि बबलिंग वगैरह करती है, अलॉय के बाद बिल्कुल चुपक के चलती है। भाई ये मान लो मैं गाड़ी लेते ही शाम को डिलीवरी ली, मैंने बोल रखी थी मैं इसे सालासर बालाजी लेके गया शाम को ही। मैं जब इसे वापस लेके आ रहा था ना राजस्थान हाईवे पे, वहाँ पे रोड उगड़ खाबड़ है। हाँ बिल्कुल। रात में तो तेज चलाई नहीं क्योंकि ये जेड ब्लैक थी। मैंने जब अगले दिन मतलब की दिन में गाड़ी आती जेड ब्लैक लेते जेड करा दी थी, तो जब मैंने दिन में थोड़ा विजिबिलिटी सही हुई, मैंने गाड़ी 100-110 चलाई ना, मैंने पुंटो चलाई है, मैंने पोलो चलाई है, वो तो भारी भरकम चुपक के भाई लहर रही थी, ब्रेक मारती इधर जा रही है, ट्रकों के पास जाके पुच्ची लेने को रही है। मैंने भाई मेरे पे नहीं चलेगी, मैंने अभी लाजपत नगर गए, हमने फोन करा पाजी को, मैंने कहा भाई अलॉय उतर रहा है, अभी उतर रहा है, मैंने आ रहे हैं हम डलवा रहे हैं, फिर उसके बाद चल रही है बढ़िया, मजा आता है। अब चुपक के चलते, जब थोड़ी सी भाई चौड़ाई हो जाती है टायर की तो बढ़िया चुपक के चलती है। हर एक चीज की एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, इसमें गड्ढे वगैरह और गाड़ी में खड़कपन जल्दी आ जाएगी, सस्पेंशन बोलेगा बिल्कुल, बट एक ड्राइव क्वालिटी जो होगी कॉर्नरिंग करने में जो मजा आएगा वो भी तो आपको दे रही है ना, तो हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज बिल्कुल, वो तो इतना चलता है। तो अपने टायर चाइनीज है कैसे भाई? सब कोई ना इंडोनेशियन बोलता है, कोरियन, सब चाइनीज, सब चाइनीज है, चाइनीज है। जब तक मिशेलिन कॉन्टिनेंटल जेके सीएट में नहीं जा रहे तो कोई भी ले लो उल्टी सीधी ब्रांड, वो सब चाइनीज है बिल्कुल, चलते हैं सही है ना, ऐसा कुछ नहीं कि भाई बेकार होते। डेढ़ महीने में 6,000 चलने वाली है। अच्छा, मैं दिल्ली में चलाता बहुत कम हूँ, मैं जाता हूँ तो बाहर जाता हूँ यमुनोत्री पता नहीं कहाँ कहाँ आया मैं इससे। अच्छा, इसको लेके? हाँ, मैंने ब्लॉग भी डाल रखा उसका, तो भाई जाके देख लेना फटाफट से, है ना, किसी को देख रहा हूँ। और पीछे भाई ये देखो इतना तगड़ा ये एग्जॉस्ट लगा हुआ है भाई, ये वेल्वेट्रॉनिक है क्या? वेल्वेट्रॉनिक है भाई, ये स्पिटफायर टिप है, आप नॉर्मल देखते होगे सीधी सीधी टिप्स होती है लाल पीली नीली सी, ये स्पिटफायर टिप है, इसका मुंह थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, हमने अपनी पोलो में डलवाई थी तो मैंने कहा यही डलवाएंगे, अब ये अच्छी लगती है। हाँ ये देख सकते हो भाई, लुक के साथ पूरी मैच करे, एक बार एग्जॉस्ट ऑन करके सुनाओ भाई। भाई इसमें आवाज ज्यादा नहीं है क्योंकि मेरे को शौक नहीं है ज्यादा तेज आवाज का, क्योंकि ये नेचुरल एस्पिरेट इंजन है, बहुत तेज आवाज करते हैं, मैंने इसमें बेसी करवा रखा है। अच्छा, ताकि ये भी ना लगे कि एग्जॉस्ट नहीं है और ये भी लगे कि हैवी। अच्छा, कि चलाने में फील आ जाए बस। तो कर देता हूं भाई, ठीक है अभी ऑफ है ना ये। पहले ऑफ पे सुना देते हैं, पहले ऑफ पे सुनाते हैं, ऑफ पे तो बिल्कुल स्टॉक है। ये देखो, अब ऑन कर दिया भाई, बिल्कुल बेस टाइप की आवाज है ना, चलाते हैं ना अंदर एक अलग फील आती होगी ना, फील आती है, प्लस बाहर से लोगों को लगता है कुछ लगा हुआ। वो छपरी गिरी मेरे को पसंद नहीं है, जो लाउडेस्ट स्विफ्ट इन इंडिया, मेरे को वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हमने कभी अपनी गाड़ी में लाउडेस्ट का क्लेम कराई नहीं एग्जॉस्ट से, जो गाड़ी आवाज कर सकती है जैसे हमारी पोलो है तो वो लाउडेस्ट है, लेकिन इन गाड़ियों में मजा नहीं है यार एग्जॉस्ट का ज्यादा तेज का, ये तो चीखेंगी, ये तो चीखती है ना, ये ऐसी बढ़िया है खड़ी हुई, अब ग्रॉल हो रही है गाड़ी, बेस आ रही है, मतलब एक मजा फील है। हाँ, बस फील का खेल है सारा। तो इसका क्या खर्चा वगैरह आया था अपने एग्जॉस्ट का? भाई अपने साइलेंसर हाउस से करवाया था, उनसे पता नहीं खर्चा वर्चा पूछते नहीं यार, हमारे तो ऐसा आपतदारी चलती रहती, जो पैसे कर दिए थे उस टाइम पे याद है मेरे को,
तो भाई 1000 रुपए मान लो 25,000 रुपए खर्चा आया था भाई। जैसे आपने वो सब चीज तो करा ली, पीछे से भाई इसका रियर वाइपर मेरे को स्विफ्ट का यार बहुत अच्छा लगता है, इससे एक अलग ही लुक आती है ना भाई। पता नहीं क्या ऑब्सेशन सी है, ये वाइपर से कोई काम नहीं है, कभी चलाने मन नहीं करता, आज तक चलाया भी नहीं, लेकिन इससे लुक आती है ना गाड़ियों में एक नंबर, मतलब स्विफ्ट की रंगत ही चेंज हो जाती है ना भाई। पीछे मतलब आपने इतनी सारी चीजें कराई थी तो फिर आपने टेल लाइट कैसे छोड़ दी भाई? अभी ना ये प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने तरुण भाई को बोला था, मैंने कहा यार इसकी मत बनाओ अभी, क्योंकि अभी मैंने कुछ कराया ही नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं दिखानी है मैंने भाई, एक तो गाड़ी यार इतनी बढ़िया, बहुत कुछ आने वाला है सब, बहुत कुछ, और सिस्टम भी कितने तक लेके जाने वाले हम, कितना 4000 आ रहे हैं स्विफ्ट में, वो भी सिंगल वूफर 4000 भाई साहब। ये देख सकते हो, अब आते हैं भाई अंदर की तरफ आ जाते हैं, बाहर से हमने सब चीज दिखा दी ना, तो बाहर से अंदर से ज्यादा कुछ है भी नहीं भाई, अंदर से दिखाऊं ये देखो, एक तो भाई ये जो नीचे ये लाइट जल रही है ना अपनी एटमॉस्फेयर लाइट, ये अपनी वार्म वाइट है ना, ये मून लाइट कलर बोल लो। हाँ अच्छा, तो ये देख सकते हो भाई, मतलब छोटी छोटी चीजों पे काम करा हुआ है, मेन चीज है ना भाई, बिल्कुल भाई, छोटी छोटी चीजों से यार बहुत सही चीजें हो जाती है। एक बार मैं इसकी आवाज कम कर देता हूँ, बिल्कुल, तो ये अंदर से बिल्कुल स्टॉक है जैसा आप देख ही सकते हो, कोई सिस्टम में अपग्रेड वगैरह भी कुछ नहीं है भाई। मैं करवाने वाला था आज, रुक गया क्योंकि वीडियो बनवानी थी, नहीं तो आज चालू हो जाता काम, बिल्कुल भाई। और जैसे आपका उनपे क्या कहना है, जैसे बंदे बेस टू टॉप कराते हैं बेस मॉडल लेके, मैं बता दो भाई, देखो ऐसा होता है, कराओ बिल्कुल कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी जगह से कराओ, जैसे तरुण भाई दिखाते हैं अपने चैनलों पे ढंग की जगहों से, बिल्कुल। आप कहीं पे भी जाके अपनी गाड़ी किसी पे भी खुलवा दोगे ना तो उस चीज का कोई फायदा नहीं है, गाड़ी आपकी जी का जंजाल बन जाएगी, तारे तारे हो जाएंगी, सब माँ बहन एक हो जाएगी। और बाकी कोशिश करो कि ZXI ले लो तो ज्यादा बढ़िया है, थोड़ा रुक जाओ चाहे, क्योंकि जो फैक्ट्री फिटेड चीज होती है ना वो फैक्ट्री फिटेड ही होती है भाई, बिल्कुल। इसके कपलर अपलर मुझे बनाने नहीं पड़े, ये सब कंपनी ने करके दिया, और आगे चल के कुछ दिक्कत भी होगी मैं उनके सर पे मार तो सकता हूँ जाके। हाँ, और फिर आप टॉप मॉडल मतलब कि बेस को टॉप बना के फिर लेके जाओगे, फिर कंपनी भी दिक्कतें करती है, कहीं ना कहीं बेस टू टॉप में कुछ चीजें रह ही जाती हैं जो उसे टॉप बनने नहीं देती, जैसे अभी इसका कंसोल देखो बस कितना प्यारा लग रहा है, ये बिल्कुल ये कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल कोई नहीं है, ये क्रूज कंट्रोल ये कोई नहीं लगा सकता, उस चीज का कोई फायदा ही नहीं है, या तो बनाओ तो बिल्कुल बनाओ, वरना फिर रहने दो भाई, नॉर्मल अलॉय डालो, शीशे काले कराओ, चलाओ, बिल्कुल। तो भाई हमने टोटल ओवरऑल सारी चीजें दिखा दी हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा भाई आपका? भाई ये देखो भाई, बंदे ऐसे देखते हैं स्विफ्ट वाले भी पूरे शीशे नीचे भाई, स्विफ्ट वाले तो सारे ही देखते हैं इसे मेरे चैनल पे भी एक वीडियो है भाई, बंदा ना गाड़ी देख के रोने लग गया था भाई, रोने लग गया था। अरे हाँ, मैंने देखी थी वो भाई। फिर आप शायद कहीं बाहर जा रहे थे भाई, मैं मेरठ से आ रहा था, वो लड़का ना बहुत तेज बाइक चला रहा था, तो हमने यार चोट वोट ना लग जाए, मैंने कहा तू साइड रोक ले, मैं तेरे को गाड़ी दिखा देता हूँ। मैंने जैसी गाड़ी साइड रोकी ना, वो रोने लग गया भाई, मेरे को आज तक किसी ने ऐसे नहीं, मैंने बहुत यूट्यूबर देखे, आप जैसे नहीं देखा ऐसे, यार हमारे तो अभी 4-5 सब्सक्राइबर, हम कहां से यूट्यूबर भाई। देखो धीरे नीचे से स्टार्ट होते हैं ना, वो तो देखो आपको ही पता ही है, हमने भी भाई मतलब अब 60,000 है, 61,000 हमारे सब्सक्राइबर है, हम भी भाई बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे कर करके कर भाई, बिल्कुल भाई का नेचर ऐसा लगता ही नहीं है कि भाई इतने उस पे ऊपर पे होंगे तो भाई देखो ये सारी चीजें। लक्ष्य भाई किस नाम से अपना इंस्टाग्राम रहने वाला है? मेरा नाम है लक्ष्य_चौधरी75। तो भाई जाके कांटेक्ट कर देना, कुछ स्विफ्ट में कराना हो, जैसे आपको डेमो नहीं दिखाई वो आप करा सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो भाई से। और भाई यूट्यूब चैनल का नाम आपको बता दिया है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगी सारी चीजें। तो ये आज की वीडियो, हमने टोटल ओवरऑल सारी चीजें दिखा दी है, यहाँ तक वीडियो देने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।